संजली को न्याय दिलाने के लिए रविवार को मिशन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई पार्क से जीवन सा इलाइट चौराहा होते हुए झांसी की सड़कों पर घूमते हुए लोगों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर न्याय दिलाने का ज्ञापन दिया। वहीं दूसरी ओर रानी लक्ष्मीबाई पार्क में महाकाल सेवा समिति द्वारा संजली को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। झांसी से दुर्गा शंकर दीक्षित की रिपोर्ट। आप देख ही रहे होंगे पीछे कि हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी संजीव मिश्रा जी ने यहाँ पर कैंडल मार्च के लिए एक कार्यक्रम रखा था, जो पूर्व में एक घटना घटी है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है वो हम लोगों के बीच में, कि एक बच्ची को आगरा में सरेआम जिंदा जला दिया जाता है। जहाँ एक तरफ हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ हम अपनी बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समाज को ये दर्शाते हैं हम लोग कि आज भी हम लोगों में कहीं ना कहीं कमियां हैं और हम चाहते हैं इन कमियों को दूर किया जाए। जिस तरीके से संजना के साथ ये घटना जो हुई है, ये घटना कहीं पे भी किसी भी बच्ची के साथ हो सकती है। शायद हो सकता है कि कल हमारे ही परिवार में से किसी बच्ची के साथ ये घटना हो जाए। आज अगर हम जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में किसी न किसी परिवार की बच्ची को, किसी न किसी परिवार की संजना को द्वारा इस तरीके की संजली को ये ना देखना पड़े दिन, और उसके परिवार को, क्यों ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पर हम मातृशक्ति को सर्वप्रथम और अपने आप में सबसे ऊँचा रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाएँ होती हैं, वो दर्शाती हैं कि हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। हमारे कानून को इतना कठोर बनना पड़ेगा और राजनीति से, दलगत की राजनीति से ऊपर उठ के, जातिगत से ऊपर उठ के, हमें कहीं ना कहीं अपनी बच्चियों के, समाज की इन बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं तो आज बुंदेलखंड जनपद के सातों जनपदों और मध्य प्रदेश के कुछ एरिया के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, तो आज उनका एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था। और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो बुंदेलखंड के लोगों की एक चाहत है कि लंबे अरसे से बुंदेलखंड के लोग ये मांग कर रहे थे कि बुंदेलखंड अलग राज्य बनना चाहिए, तो मिशन सुरक्षा परिषद के बैनर के तहत हम लोग बुंदेलखंड अलग राज्य बनाने की मांग के तहत जो अभी जल्दी आगरा में बहुजन समाज की बेटी संजली को जो कुछ दरिंदों ने आग के हवाले करके उसकी दर्दनाक मौत दिया है, तो अंजलि को अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार जो उनके जो मुलजिम हैं, अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करा सकी है। तो आज उस प्रकरण पे भी हमारे जिला यूनिट द्वारा संजली को न्याय दिलाने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे। हमारे कई सामाजिक संगठन के साथी यहाँ मौजूद हैं, उनके सबके साथ मिलकर हम लोग पैदल मार्च करते हुए अभी डीएम साहब को जाकर एक ज्ञापन देंगे। मामला झांसी के उन्नाव गेट बाहर निवासी सोनू पुत्र मुन्ना का है। सोनू का कहना है कि उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा हो रहा है। परसों उनकी जमीन पर काम चल रहा था, सो उन्होंने 100 नंबर पर फोन लगाया और पुलिस आई तो काम रुक गया। उन लोगों ने कल फिर काम चालू कर दिया। उन लोगों ने बोला यह जमीन तुम्हारी नहीं है, हमारी है। उनका नाम नवल यादव, राम सिंह यादव, पार्षद यादव बताया जा रहा है। उनके पास लाइसेंसी बंदूकें भी हैं। मेरी पुश्तैनी जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और मुझे मारने की भी धमकी दे रहे हैं। यह मामला मैं एसएसपी के पास लेकर गया था। एसएसपी साहब ना मिल पाने के कारण मैं यह ज्ञापन डीएम साहब को देने आया हूं। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार वर्मा, कांग्रेस सेवा दल से जिलाध्यक्ष हूं मैं। क्या मामला है? मामला यह है कि ये भैया जो हैं उन्नाव गेट बाहर के हैं, सोनू इनका नाम है, और इनके पुश्तैनी जमीन होने के बावजूद भी आज इनकी दबंगई के तौर पर, गुंडागर्दी के तौर पर इनकी जमीन को कब्जाया जा रहा है जी। तो इसका मामला न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी न्यायालय को दरकिनार रखते हुए चरम सीमा पर गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बंदूकें तानी जा रही हैं। बेचारे ये गरीब कुशवा समाज के लोग हैं, ये खेती करना जानते हैं, बंदूक चलाना नहीं जानते हैं। जिस तरीके से ये गुंडाई कर रहे हैं, इनका हम विरोध करेंगे, इनके खिलाफ में जाएंगे और इनका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्या नाम है सर? सोनू कुशवा सर। क्या मामला है सर? जमीन का मामला है, मेरी जमीन पर कब्जा हो रहा जबरदस्ती। परसों मैंने 100 नंबर पर फ़ोन लगाया, पुलिस आई, काम रुक गया। तो उन्होंने कहा नेकपाल को बुलाइए। हमने कहा सर नेकपाल ऐसे तो आएगा नहीं, उसको आदेश कराने पड़ेगा। नहीं, वो तो आ जाएगा नेकपाल। तो जबरदस्ती कल काम बंद कर दिया, परसों पुलिस गई, काम कल फिर चालू करा, हमको घर पर बुलाया।
बैठा रहा उन्नाव गेट बाहर झांसी खास तकिया वाला बाग नागोजू का कुआ क्यों बंद कर दिया? क्या बोले जमीन तुम्हारी नहीं है, जमीन हमारी है जी। किन लोगों ने विवाद? लोग नवल यादव भोजला से, राम सिंह यादव, पार्षद यादव, ये सब सारे रिश्तेदार हैं। लाइसेंस सार बंदूक हो गए हमारे पास, काछी ने पास क्या है, गरीब आदमी है, उसने नहीं जमीन छुड़ा ली जबरदस्ती, मानने की धम दे रहे, बोले जाओ जो करना हो कर लो। कहाँ आया जाओ? अभी हम डीएम साहब के एसपी के पास गए थे लेकिन एसपी साहब मिले नहीं, तो हम डीएम साहब के पास आ गए। झांसी से दुर्गा शंकर दीक्षित की रिपोर्ट।